गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर फाइव कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ क्लास एट साइंस फर्स्ट पार्ट हम प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे कंजर्व करेंगे मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे बचाएंगे अ ग्रेट वैराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिव ऑन अर्थ देखो अर्थ के ऊपर अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं मोस्टली इन द फॉरेस्ट जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं मतलब वैसे तो पाए जाते हैं अर्थ पर लेकिन अर्थ के कौन से एरिया में पाए जाते हैं फॉरेस्ट में फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव करते रहते हैं फॉरेस्ट प्रोवाइड दैम विद होम एंड फूड जो जंगल होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग मतलब उनको होम प्रोवाइड करता है ठीक है और फूड वगैरह प्रोवाइड करता है दे आर असेंशियल फॉर द maintaining द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इम्पोर्टेंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड देखो जो फॉरेस्ट होता है वो हमारा क्या करता है इकोलॉजिकल बैलेंस करता है ठीक है मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग को मेनटेन करता है और यहाँ तक कि मेन uh, काइंड के लिए सर्वाइव भी करने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट uh, है दे प्रोवाइड क्लीन एयर टू द ब्रैथ टू ऑल द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म देखो जो फॉरेस्ट होता है वो हमें एयर क्लीन एयर प्रोवाइड करता है जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सांस ले सके प्रॉपर दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर और जो एटमोसफेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी बैलेंस रखता है फॉरेस्ट देयर बाई प्रिवेंटिंग ग्लोबल वार्मिंग और जो फॉरेस्ट होता है वो ग्लोबल वार्मिंग को भी प्रिवेंट करता है मतलब जो हमारे ग्लोब क्या किसको बोलते हैं अर्थ का जो अर्थ का टेम्परेचर को भी मेंटेन कौन रखता है फॉरेस्ट क्योंकि जो फॉरेस्ट है जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो कौन सी गैस से होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जब हमारे एटमॉसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होगा तो इसी जो फॉरेस्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं फोटोसिंथैसिस करते हैं फूड बनाते हैं और वहाँ से अपनी बॉडी से वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जिसको हम यूज करते हैं फिर ऑक्सीजन को तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको भी प्रिवेंट फॉरेस्टी करता है दे ऑल्सो प्रिवेंट द स्वाइल इरोजन दस प्रोटेक्शन वैल्यूएबल रिसोर्स बट ह्यूमन बींग इंटरवेंशन हैज़ ऑफन प्रोवाइड डिजास्टर्स नॉट ओनली फॉर द नेचर बट ऑल्सो फॉर ह्यूमन्स देखो जो फॉरेस्ट होते हैं वो सॉइल इरोजन से भी प्रिवेंट करते हैं क्योंकि जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को अच्छे से होल्ड करके रखती हैं ठीक है तो जब होल्ड करके रखेंगी तो सॉइल इरोजन भी नहीं होगा ठीक है और जो ये ह्यूमन बींग जो है वो इन सब चीज़ के लिए मतलब नेचर को जो डिस्टर्ब कर रहा है जो ह्यूमन बींग वो सिर्फ वो नेचर को ही नहीं कर रहा है यहाँ तक कि अपनी लाइफ को भी वो डिस्टर्ब कर रहे हैं इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द नीड ऑफ़ टू कंजर्व द डाइवर्सिटी देखो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें प्लांट्स और एनिमल को क्यों कंजर्व करना चाहिए क्या ज़रूरत है हमें उनको बचाने के लिए ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ कि अर्थ के ऊपर प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है वी विल ऑल्सो डिस्कस इन द ब्रीफ द स्टेप टेकन टू achieve अचीव दिस और इसमें हम चैप्टर में ब्रीफली ये भी पढ़ेंगे कि कैसे हमने इसको अचीव किया है बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फना देखो जो फ्ला फ्लोरा होता है वो क्या है प्लांट स्पीसीज़ ठीक है जितनी भी प्लांट्स की स्पीशीज़ पाई जाएंगी तो वो सबको बोलते हैं फ्लोरा ठीक है फ़ना जो होता है वो है एनिमल स्पीसीज़ देखो आपने कहीं पर प्लांट की नर्सरी में देखा होगा जहाँ पर प्लांट्स नर्सरी होती हैं तो उसमें लिखा होगा फ्लोरा नर्सरी ठीक है तो मतलब क्या है कि इसमें प्लांट्स अलग अलग टाइप के प्लांट्स की वैरायटी पाई जाती है इंडिया हैज़ अ रिच बायोडाइवर्सिटी एज uh, as we have a variety of रेंजिंग ranging from the tropical फॉरेस्ट to alpine alpine vegetation and from temperate फॉरेस्ट to coastal वेटलैंड्स देखो जो इंडिया है उसके अंदर इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप के हैबिटाट्स हैं अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स की रहने की जगह है तो इसीलिए इंडिया के अंदर रिच बायोडाइवर्सिटी है बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब ड्यू टू डिफरेंस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया मैनी वेरायटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फरना कैन भी फाउंड देखो जब इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहाँ का क्लाइमेट अलग अलग होता है तो इसी लिए इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप की वैराइटीज़ होती हैं फ्लोरा फरना की मतलब बहुत सारी वैराटीज़ है प्लांट्स की प्लान्स स्पीशीज़ एंड एनिमल स्पीशीज बायोडावर्सिटी कैन भी डिफाइन एज द वैरायटी ऑफ प्लाट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया देखो बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं कि किसी एरिया में अलग अलग टाइप के वेराइटीज़ ऑफ प्लांट अलग अलग टाइप के प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एरिया में पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी इन अदर वर्ड बायोडाइवर्सिटी डिफाइन एज द बायोलॉजिकल रिचनेस ऑफ एन इकोसिस्टम कि जो हमारे इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप की बायोलॉजिकल रिचनेस होती है मतलब बायोलॉजिकल किसको बोलते हैं जैसे प्लांट्स हो गया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग है एनिमल्स भी ह्यूमन भी मतलब लिविंग है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी लिविंग है तो जो एक ईको में इकोसिसटम बोलते हैं इंट्रैक्शन बिटवीन या रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कम्पोनेंट ठीक है बायोटिक किसको बोलते हैं बायोटिक बोलते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ठीक है देखिए मैं आपको दीवार से लिखती हूँ इकोसिस्टम जो है इंट्रैक्शन बिटवीन या रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स बायोटिक किसको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं ह्यूमन बीइंग है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, है, है और जो एबायोटिक होता है वो क्या है नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि सॉइल है सनलाइट है वाटर है ये सब तो इन दोनों का क्या है आपस में रिलेशनशिप है क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है मतलब बायोटिक जो कॉम्पोनेंट्स है वो किसके ऊपर डिपेंड है एबायोटिक कम्पोनेंट्स के ऊपर डिपेंड है एंड इकोसिस्टम इज़ अ इकोसिस्टम मेड अप ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन स्पेसिफिक एरिया एंड देयर इंट्रैक्शन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट सच एस क्लाइमेट सॉयल सन एटमोसफियर देखो इकोसिस्टम बोलते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनका इंट्रैक्शन उनका रिलेशनशिप किसके नॉन लिविंग थिंग्स के साथ मतलब जो लिविंग थिंग्स है उसका रिलेशनशिप uh, किसके साथ हो ना नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जैसे सॉयल हो गया क्लाइमेट हो गया ठीक है सनलाइट हो गई ये सब क्योंकि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके ऊपर डिपेंड है टोटल वो नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड है एंड इकोसिस्टम सिस्टम कैन बी फाउंड इन अ गार्डन ऑफ योर हाउस एज इट कैन बी फाउंड इन एन एरिया लार्जर लार्जर एज फॉरेस्ट देखो आप अपने इको को आप अपने गार्डन में भी देख सकते हैं जो आपके घर में है क्योंकि जो गार्डन में प्लांट्स वगैरह भी है ठीक है और जो गार्डन में जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं तो किसकी वजह से क्योंकि वो सॉइल के अंदर हैं ठीक है उनके जो रूट्स है उसको किसने होल्ड किया हुआ है सॉइल ने तो सॉइल क्या है एक नॉन लिविंग थिंग्स उसको जो वाटर चाहिए अपने आप को ग्रोथ होने के लिए तो वाटर भी क्या है नॉन लिविंग थिंग्स जो सनलाइट है जिससे कि वो फूड बनाएगा तो वो भी नॉन लिविंग थिंग्स मतलब क्या है कि जो ये क्या है हमारा एक इकोसिस्टम है इको होता है रिलेशनशिप या इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ठीक है इन स्पिट ऑफ दिस ऑल प्लांट्स डू नॉट डो नॉट ग्रो एवरी बियर एंड ऑल एनिमल्स डो नॉट लिव इन ऑल द रीजन आइडर देखो जितने भी हर एक प्लांट जो है वो हर एक जगह पर नहीं रह सकते या हर एक एनिमल वो हर एक जगह पर ही नहीं रह सकते ठीक है जैसे कि जो पोलर बियर है वो डेज़र्ट में नहीं रह सकता जैसे जो कैमल है वो पोलर रीजन में नहीं रह सकती तो मतलब यहाँ पर यही बोला कि हर एक जो प्लांट्स होता है वो अलग अलग जगह पर ग्रो होता है द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रिलीजन आर कॉल फ्लोरा एंड द एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया फ्लो फना जो प्लांट्स स्पीसीज होती हैं उनको बोलते हैं फ्लोरा और जो एनिमल स्पीसीज होती हैं उनको बोलते हैं फना ऑफ दैट एरिया द फ्लोरा एंड fauna ऑफ़ द कंट्री आर वेरी important renewable नेचुरल resources. क्योंकि जो फ्लोरा और जो fauna होता है वो हमारी कंट्री का renewable नेचुरल resources होता है Renewable किसको बोलते हैं जिसको हम एक बार यूज़ कर सकें और जिसको हम एक बार यूज़ कर लें उसके बाद हम दोबारा से फिर उसको यूज़ कर सकें जो रिप्लानिज हो जाता है उसको बोलते हैं रिनीबल ठीक है द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स एट द देर फोर एन इंपॉर्टेंट टास्क ठीक है जो हमारे फॉरेस्ट है उसको मैनेज करना वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को मैनेज करना ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडावर्सिटी अब हमारे लिए जो बायोडावर्सिटी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवरी कंपोनेंट ऑफ बायोडावर्सिटी सर्व एन इंपोर्टेंट फंक्शन इन नेचर जितने भी हमारे बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे नेचर में वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है जैसे प्लांट्स हो गया एनिमल्स हो गया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम टुगेदर डिस्ट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ ठीक है जितने भी प्लांट्स हैं एनिमल्स है या फिर अदर टाइप के जो माइक्रो हैं उनकी जो वैराइटीज़ हो है वो हमारी लाइफ के ऊपर कंट्रीब्यूट uh, हुई है ठीक है और वो लाइफ को मेनटेन करती है दे सप्लाई ह्यूमंस विद इकनॉमिकल इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग क्लाइमेटिक कंडीशन वो ह्यूमन को क्या सप्लाई करती है इकनॉमिक इम्पोर्टेंस देती है मतलब प्रोडक्ट uh, uh, वो करती है प्रोडक्ट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको भी रेगुलेट करती है अब देखो क्लाइमेटिक कंडीशन को रेगुलेट कौन करता है जैसे कि प्लांट्स हो गए क्योंकि जो प्लांट्स है वो भी हमारी एक बायोडाइवर्सिटी है लेट इस नाउ स्टडी सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल टू इलेस्ट्रेट देयर इंपोर्टेंस देखो हमें इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिससे कि हमें पता लगेगा कि हमारे लिए जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है तो देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स टुगेदर मेंटेन सेवरल लाइफ साइकिल सच एज ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल देखो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो बहुत सारी साइकिल को मेंटेन करती है जैसे ऑक्सीजन साइकिल है ऑक्सीजन साइकिल कैसी होती है क्योंकि जो ह्यूमन बींग है जितने भी एनिमल्स है वो अपनी बॉडी से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं जब हम सांस बाहर निकालते हैं आ, ठीक है तो उसमें कौन सी गैस आती है कार्बन डाइऑक्साइड फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज़ करता है प्लांट्स यूज़ करते हैं जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके फिर फोटोसिंथेसिस जब वो फूड बना लेते हैं तो उनकी बॉडी से क्या रिलीज़ करते, है? है? करते हैं वो अपनी बॉडी से ऑक्सीजन जिस ऑक्सीजन को कौन यूज़ करता है एनिमल्स यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग यूज़ करते हैं तो ये क्या हमारी एक ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी ये साइकिल्स हैं वो कॉन बैलेंस करता है प्लांट्स और एनिमल्स मेंटेन करते हैं दिस गैसेस इन टर्न प्ले अ क्रीअल रोल इन द मेंटेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ ठीक है play, uh, जो ये साइकिल हैं जो भी ये गैशियस साइकिल हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो भी एक गैस है नाइट्रोजन भी कार्बन डाइऑक्साइड भी जो भी ये गैशियस जो साइकिल होती हैं वो हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी काइंड ऑफ लार्ज एनिमल्स देखो जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत सारे एनिमल्स को क्या देते हैं शेल्टर देते हैं होम वगैरह प्रोवाइड करते हैं दे रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ और जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं मेंटेन करते हैं वो भी फॉरेस्ट करते हैं क्योंकि जो जब भी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज होते हैं तो उसको मेंटेन कौन करता है प्लांट्स मेंटेन करते हैं क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनको फूड बनाने के लिए क्या चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट्स को फोटो सिंथेसिज फ़ूड को बनाने के लिए फूड को सिंथेसाइज करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जिससे कि वो हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मतलब हमारे अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं यू मे हैव ऑब्जर्व दैट फॉरेस्ट एरिया नियर अ सिटी इज़ कूलर दैन द अदर सिटी विदाउट एन विदाउट अ फॉरेस्ट एरिया देखो जो सिटी uh, के पास जो फॉरेस्ट है जो फॉरेस्ट uh, सिटी के पास पड़ता है तो वहाँ पे उस सिटी में कैसा फील होता है थोड़ा कूल फील होता है और जिस सिटी में फॉरेस्ट ही ना हो मतलब फॉरेस्ट पास नहीं पड़ता हो तो उस सिटी में क्या काफ़ी ज़्यादा वार्म एरिया रहता है क्यों क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो एयर को क्लीन करने में हेल्प करता है इसलिए वो कूल फील कराता है फिर जो थर्ड पॉइंट है उसकी इम्पोर्टेंस देखिए बायोडाइवर्सिटी हमारे के लिए ज़रूरी है फॉरेस्ट हेल्प इन द मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। देखो जो फॉरेस्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के बैलेंस को मेंटेन करता है जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो प्लांट वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं जिसको हम रिलीज़ करते हैं हमारी बॉडी से रिलीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड उसको फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट जो है वो फूड बनाने में हेल्प करते हैं और फिर वो अपनी बॉडी से क्या रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन गैस जो एटमॉसफेयर में जाती है और उसको प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ करते हैं तो मतलब इस तरीके से मेनटेन कौन करता है फॉरेस्ट मेंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की कंसनट्रेसन एटमोसफेयर में एज ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आउट ड्यूरिंग आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ़ फोटोसिंथेसिस देखो यहाँ पे यही बोला है कि जिस टाइम पे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन वो छोड़ देते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं फॉरेस्ट आर सोर्स ऑफ मैनी नेचुरल प्रोडक्ट्स सच एज वुड ऑयल हनी टिम्बर नेचुरल डाइज सिल्क लैक एंड गम देखो जो फॉरेस्ट है वो बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे कि आपको ये एग्जाम्पल दिए हैं देखो हमें फ़ॉरेस्ट से मतलब जो हमारा मेन सोर्स है फूड का वो क्या है हमारे टू सोर्सेज होते हैं फूड के तो वो एक एनिमल सोर्स और एक प्लान्टोर्स ठीक है तो मोस्टली जो हमारा फूड होता है या फिर जितने भी हमारे हाउस होल्ड थिंग्स होती हैं वो सब चीज़ से मिलते हैं हमारे प्लान्टे ठीक है प्लांट्स से तो प्लांट्स हमारे मतलब जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स देते हैं फॉरेस्ट प्रिवेंट द सॉइल इरोजन बाय रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ विंड एंड वाटर देखो जो फॉरेस्ट होते हैं वो सॉइल इरोजन को भी रिड्यूस करते हैं कम करते हैं क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं वो जो भी फॉरेस्ट की जो रूट होती हैं जो प्लांट्स वगैरह के ट्री की वो सॉइल को अच्छे से होल्ड करके रखती है पकड़ के रखती है जिससे कि जो सॉइल है वो लूज़ ना हो और वो सॉइल इरोज़न ना हो या फिर बहुत ज़्यादा तेज तूफान आए तो उसकी वजह से जो टॉप सॉइल है वो बहना जाए ठीक है तो इसलिए जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑन द अदर हैंड डोमेस्टिक एनिमल सच एज़ लाइफ स्टॉक प्रोवाइड अस फूड फाइबर एंड लेदर देखो जो डोमेस्टिक uh, जो एनिमल होते हैं डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं पालतू जानवर को जिनको हम घर में पालते हैं तो वो हमें फ़ूड देते हैं जैसे मिल्क वगैरह ठीक है फाइबर देते हैं और लेदर वगैरह देते हैं वेंड जैसे फ़ाइबर हो गया जैसे वूल ठीक है ये सब वेंड एंड वाइल्ड एनिमल इंक्लूडिंग बर्ड्स फिश इंसेक्ट्स एंड पॉलीनेटर्स आर इम्पोर्टेंट टू सपोर्ट द वैब ऑफ द एक्टिविटी इन द फंक्शन इको सिस्टम लेकिन बहुत सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल हैं वाइल्ड एनिमल बोलते हैं जंगली जानवरों को जैसे बर्ड्स हो गया फ़िशज होगी बटरफ्लाइज वगैरह वो हमारे इको सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो वो फंक्शन में कर फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन एडिशन बायोडावर्सिटी इम्पोर्टेंूव आर क्वालिटी ऑफ लाइफ बाई क्रिएटिंग लवली नेचुरल सराउंडिंग वी कैन रिलैक्स पे एंड एडमायर द ब्यूटी ऑफ नेचर देखो जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी क्या नेचर को भी हमारी जो सराउंडिंग है उसको भी ब्यूटीफुल बनाते हैं मतलब जो हमारे सराउंडिंग की जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करती है बायोडायवर्सिटी क्योंकि देखो बायोडायवर्सिटी में फ़्लावर्स आ मतलब प्लांट्स आ गए एनिमल्स आ गए तो जहाँ पे भी ये सब होंगे तो वो कितना खूबसूरत लगता है मतलब वहाँ पे हमें रिलैक्स फील होता है हम वहाँ पे प्ले कर सकते हैं और उस नेचर को देख के बहुत अच्छा भी लगता है रिलैक्स फील होता है दैट्स ऑल फोर टूडे